खुशी का है मौका। वाह काफी जी वाह, राम से राम से, क्या बात है ये। और जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं उनके उस जज्बे को सलाम करती हूँ और कहना चाहती हूँ, हमारे देश की पहचान पतित पावनी माँ गंगा से है। हम लोग नदी नहीं कहते, हम लोग अपने यहाँ की नदियों को माँ का दर्जा देते हैं। विशेष बात गा रही हूँ, सुनिएगा। पतित पावनी माँ की अनुपम है धारा, पापियों का जिसने जीवन सुधारा। इसलिए माँ कहते हैं, लोग कहते हैं गंगा में डुबकी लगा लीजिए आपके पाप धुल जाएंगे, इसलिए माँ कहते हैं। और क्या कहते हैं, भारत को भारत माता, हम लोग अपने देश को माता कहते हैं, सुनिएगा। भारत को भारत के बुलाना, तो धन्य ये धरा जिसको सराहे जमाना। धन्य ये धरा जिसको सराहे जमाना, धन्य ये धरा जिसको सराहे जमाना। अमेरिका अपने देश को ना, चीन जापान अपने देश को माता का दर्जा नहीं देते, लेकिन हम देते हैं। कोई तो बात है हमारे भारत की, इसलिए भारत को भारत माता, भारत को भारत माता कह के बुलाना। धन्य वो धरा जिसको सराहे जमाना। हमारे कौमी एकता समिति का बैनर लगा हुआ है और सबसे ऊपर लिखा है सोन चिरैया। बिल्कुल सही लिखा है, हमारा देश सोने की चिड़िया माना जाता रहा है, लेकिन तमाम लोग बाहर से आए और इस सोने की चिड़िया के पंखों को बुरी तरह नोच डाला। लेकिन आज हम प्रार्थना क्या करते हैं, सुनिएगा। एक बार फिर जो राम राज्य आ जाए,
से कहा थे और वो भी उत्तर प्रदेश में हुए। राम भी यही हुए, कृष्ण भी यही हुए। सुनिएगा, राम कृष्ण का यही अब तार लेके आना, तो धन्य ये धरा जिसको सरा है हरिद्वार है, यही काशी है। सुनिएगा, यही राम की अयोध्या, यही है वो वृंदावन, हरिद्वार भी यही है, ऋषिकेश है पावन। और भारत में है इसीलिए सारे संसार में भारत को सलाम किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे बुजुर्ग वार की तरफ से आशीर्वाद आया है। सुनिएगा, और एक और विशेष बात है, दुनिया भर के लोग यहाँ क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं इलाहाबाद संगम जाकर डुबकी लगाना। मेला होता है माघ में, सारे संसार से लोग पहुंच जाते हैं कुंभ के मेले में, तो वो भी भारत में है तो कहना पड़ा। इलाहाबाद संगम जाकर, इलाहाबाद संगम जाकर डुबकी लगाना, धन्य ये धरा जिसको क्या इस देश की विशेषता के। यहाँ पर ऐसे पुरुष हुए जिन्होंने बड़े बड़े शत्रुओं से लोहा लिया और उनके दांत खट्टे करा दिए। ऐसी नारियां हुई जिन्होंने अपने मृत पति को जीवित कर लिया। बहुत बड़ी बात है, सुनिएगा। पति प्राण यम से वापस लेकर ही ऐसी नारियां यहाँ हुई, यमराज से लड़ गई, अपने पति के प्राणों को वापस ले आई। बहुत बड़ी बात है, कहना पड़ा। पति प्राण यम से वापस लेकर ही मानी, सीता राधा मीरा की है अनुपम कहानी। और एक नारी ऐसी बुंदेले हर बोलों के मुंह
हमने सुनी कहानी थी बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। वो तो झांसी वाली रानी थी तो कहना पड़ा लक्ष्मी बाई के विषय में, लक्ष्मी बाई के विषय में कुछ नहीं बताना, यही कारण है धन्य ये धरा जिसको सराहे जमा। और अंतिम पंक्तियां, मेरा दिल क्या कहता है, और सिर्फ मेरा दिल नहीं, यहाँ पर बैठे खड़े हर व्यक्ति का दिल यही चाहेगा क्या, अगर हो सके तो यही, अगर दोबारा जन्म होता हो तो, अगर हो सके तो यही पुनर्जन्म पाए भारत की गौरव गरिमा सदा यूं ही गाए। जैसा कि अभी आपने पद्मा शर्मा जी को सुना, बहुत ही अच्छा गीत गाया, काफी लोग जो आ जा रहे थे वो भी रुक के सुनने लगे, इतना अच्छा गीत गाया उन्होंने। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के साथी कलाकार आदरणीय सुरेश सितारा जी आए, उससे पहले चार लाइनें आप सभी को सुनाना चाहूंगी, और अगर बात अच्छी लगी तो तालियों से आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मान जिंदा है सदा सम्मान जिंदा है, मान जिंदा है सदा सम्मान जिंदा है, माँ भारती के आंचल की आन जिंदा है, माँ भारती के आंचल की आन जिंदा है, हिंदी और उर्दू है दोनों सगी बहने, हिंदी और उर्दू है दोनों सगी बहने, जिसके दम पर पूरा हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत 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 धन्यवाद है आप सभी का। अब मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां बजा के आदरणीय सुरेश सितारा जी का स्वागत करें।
वो हम सभी के बीच बहुत ही अच्छे अच्छे भजन, बहुत ही अच्छे अच्छे देश के गीत लेकर आ रहे हैं। तो अब मंच आपको सौंपती हूँ आदरणीय सूर्य सत्यनारायण सितारा जी, धन्यवाद। राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया है और अब बारी है कि अपने देश का राष्ट्रीय गीत हम सभी मिलकर गाएं। तो सभी लोग तैयार हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता। जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। बोलिए भारत माता की जय। बहुत ही प्यारी सी धुन आपकी तरफ से आई, बहुत और गीत भी बहुत प्यारा था, क्योंकि जिस उपलक्ष में कार्यक्रम हो और उस पर कोई गीत ना गाया जाए, उसके द्वारा मतलब की शुरुआत ना हो तो कार्यक्रम में वो आनंद नहीं आता है। क्योंकि वास्तव में आज खुशी का मौका भी आपने खुशी के वैसी ही धुन लेकर के आई। इससे बड़ी खुशी आज भारतवर्ष में हो ही नहीं सकती। ये खुशियां तो जीवन में तमाम आई, लेकिन जो खुशी 26 जनवरी को प्राप्त हुई वो खुशी वास्तव में बहुत बड़ी खुशी है। खुशी का है मौका और जिस दिन खुशी मिली उस दिन भी लोगों के आंसू बह रहे थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। खुशी का है मौका मगर क्या करूं
बहुत प्यारे पतित पावनी माँ की। गंगा माँ को नमन करते हुए मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। पतित पावनी माँ की अनुपम है तारा, लाखों बस्तियों का जी जीवन सुधारा। ये धरा जिसको धरा है जमाना, धन ये धरा जिसको धरा है जमाना, धन ये धरा जिसको धरा है जमाना। लेकिन सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब। गंगा इस देश में अपनी पूर्ण धारा से बह रही है, उनको नमन करते हुए पावन हिमालय को कीजिएगा। पहले तो गंगा जी भगवान शिव की जटा से निकली हैं, लेकिन पावन हिमालय को नमन कीजिएगा। अगर हिमालय ना होता, पावन हिमालय को नमन कीजिएगा, जिससे निकल कर आई गंगा की धारा। क्यों? शिव ने संवारा है अनमोल मोती, शिव ने संवारा है अनमोल मोती, रही सर पे वो अपने सपने सजोती। शिव की जटा से हिमालय पे आई, वो हिमालय ना होता तो गंगा ना होती। बहुत बढ़िया। पावन हिमालय को नमन कीजिए, जिससे निकल कर आई गंगा की धारा। हमारे वतन को नमन है शहीद हो गए, अपनी जान पर खेल गए। झुकने न पाए कभी तिरंगा ये हमारे वतन को नमन है हमारा।
सिद्ध पीठ स्थान है उत्तर प्रदेश में ही मथुरा व काशी यहाँ पर मिलेंगे कैलाशवासी जिला उन्नाव और उन्नाव में एक गांव है बदरका क्या बात है आइए देखिए जिन्होंने अपनी आजादी के लिए सब कुछ लुटा दिया कभी उनके भी घर जाके देखिए मोदी जी के घर तो आप जाके देखेंगे लेकिन कभी उनके भी घर जाके देखिए भगत सिंह सुखदेव आजाद प्यारे हंसकर सही सितारा जैसे जैसे गगन में सितारा